तो भाई मैन ऑफ स्टील के इस सीन में जब जनरल जॉर्ड का सेफ्टी मास्क काम करना बंद कर देता है तब वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और मजबूरी में उसको वहां से भागना पड़ता है। लेकिन उसके कुछ मिनट बाद वो बिना मास्क के ही सुपरमैन से लड़ता है और उसको किसी तरह की वीकनेस फील भी नहीं होती। ऐसा कैसे हुआ? तो इसका आंसर जॉर्ड ने खुद इस सीन में दिया था। उसने कहा था कि वो एक बॉर्न वॉरियर है, जिंदगी भर उसने सिर्फ कड़ी मेहनत की है। ट्रेनिंग के दम पर वो अपने बॉडी और माइंड को कंट्रोल कर सकता है और उसकी एडेप्टेशन एबिलिटी बाकी क्रिप्टोनियंस से बहुत ज्यादा है। इसी वजह से उसकी बॉडी ने अर्थ के एटमोस्फियर को बहुत ही कम टाइम के अंदर अपना लिया। मुझे लगता है अगर जॉर्ड को प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम मिलता तो वो सुपरमैन को कड़ी टक्कर दे सकता था।